नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा चौहान और स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन के चैनल पर। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, साथ ही देशीय और विदेशीय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तालिबान और पाकिस्तान के संबंध कितने प्रांगण हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन अब पाकिस्तान और तालिबान के संबंध को लेकर काफी तेज अंतर्राष्ट्रीय आवाजें उठने लगी हैं। कनाडा के पूर्व मंत्री और अफगानिस्तान में राजदूत रहे चूके क्रिस अलेक्जेंडर ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को झूठा और बेशरम कहा है। कनाडा के पूर्व मंत्री क्रिस अलेक्जेंडर ने तालिबान से संबंध रखने की वजह से इमरान खान को झूठा और बेशरम कहते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने सीधे तौर पर अफगानिस्तान की इस स्थिति के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। क्रिस अलेक्जेंडर ने कहा है कि पाकिस्तान लगातार तालिबान को बढ़ावा दे रहा है और बड़े स्तर पर आतंकियों की सप्लाई अफगानिस्तान में कर रहा है, लिहाजा दुनिया को सामने आकर पाकिस्तान पर बैन लगा देना चाहिए। क्रिस अलेक्जेंडर ने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तानी आतंकी अफगानिस्तान में घुसने के इंतजार में है। अफगानिस्तान की बर्बादी को देखते हुए क्रिस अलेक्जेंडर काफी गुस्से में दिखे और उन्होंने इमरान खान को लेकर कहा कि यह व्यक्ति पूरी तरह से धोखेबाज, एक बेशरम झूठा है जिसके अंदर कोई क्षमता नहीं है। इमरान खान एक कपटी है जो दशकों से तालिबान को बढ़ावा देने वाले कम अकलों में शामिल है। कनाडा के पूर्व मंत्री क्रिस अलेक्जेंडर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि इमरान खान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह एक अछूत है जो कड़े प्रतिबंधों का हकदार है। पूर्व कनाडा मंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि तालिबान को पूरी तरह से पाकिस्तान मदद कर रहा है और उसी की वजह से अफगानिस्तान की ऐसी स्थिति आज हुई है। पूर्व कनाडा मंत्री क्रिस अलेक्जेंडर के बयान के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से भड़क गया है और उसने उनके बयान को अफगानिस्तान की शांति बिगाड़ने वाला बताया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने रविवार को कनाडा के कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि उनकी टिप्पणियों ने अफगान शांति की प्रतिक्रिया को समझ की कमी के साथ साथ जमीनी तथ्यों को नजरअंदाज करने वाला है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि हम कनाडा के पूर्व मंत्री क्रिस अलेक्जेंडर द्वारा अनुचित टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें हैशटैग अफगान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में निराधार और भ्रामक दावे किए जा रहे हैं। इस तरह की टिप्पणियां इस मुद्दे की तरह से समझ की कमी के साथ साथ जमीन और तथ्यों की अज्ञानता को दर्शाती है। क्रिस अलेक्जेंडर ने अपने ट्वीट में एक तस्वीर शेयर की है जिसमें दिख रहा है कि बॉर्डर पर भारी संख्या में लोग बैठे हुए हैं जिनके हाथों में असलहे हैं। क्रिस अलेक्जेंडर ने दावा किया है कि ये सभी पाकिस्तानी आतंकी हैं जो अफगानिस्तान में जाने के इंतजार में हैं। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान लगातार आतंकियों को भेजकर धम्म युद्ध लड़ रहा है और पड़ोसी देश में आतंक का वातावरण तैयार कर रहा है। वहीं पाकिस्तान ने क्रिस अलेक्जेंडर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो कनाडा सरकार के सामने क्रिस के बयान को उठाएगी। पाकिस्तान ने कहा है कि उसने कनाडा सरकार से क्रिस अलेक्जेंडर को लेकर एक्शन लेने की मांग की है। धन्यवाद।